to the intensive English classes. I'm your English teacher, Pankaj sir. जैसा कि बच्चों जो है हम लोग लास्ट वीडियो में जो है स्पेशल वाइज पढ़े थे मॉडल्स का, WH वर्ड यानी स्पेशल हु का, विच का, इन सारे चीज का जो है हम लोग पढ़ लिए थे और इसको जाने थे कि कैसे जो है हम इसको बनाते हैं, इसका क्या क्या फॉर्मेट होता है, क्या क्या रूल होता है, इन सारे चीज को जो है हमने देख लिए थे. ठीक है, आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे पैसिव का, यानी एक्टिव टू पैसिव ही, दैट मींस किसका करेंगे, तो इंपैरेटिव सेंटेंस में. इंपैरेटिव सेंटेंस जो है, इंपैरेटिव सेंटेंस का किस प्रकार जो है हम लोग एक्टिव टू पैसिव जो है हम लोग बनाते हैं, तो आज जो है हम लोग उसी के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे. ठीक है, और उसको देखेंगे कि क्या क्या रूल होता है, कैसे कैसे उसको बनाया जाता है. तो आज बच्चों हम वही जो है इंपैरेटिव सीखेंगे, उसमें जो है आपका ऑर्डर और कमांड. आज जो है ऑर्डर और कमांड जो है फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे. क्लियर, इंपैरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है, जो स्टार्टिंग जो आपको स्टार्ट होता है किससे, वर्ब से, जिसमें वी वन हो. जैसे हम लोग बोलते हैं गो, गो आउट, इस तरह से बोलते हैं ना, टू गो आउट, तो ये हमारे इंपैरेटिव सेंटेंस से, चले जाओ, कोई आते हैं सीट देयर, बोलते हैं ना सीट हियर, तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे हम पैसिव बनाएंगे इस चीज को देखेंगे. तो पहले हम देखेंगे इंपैरेटिव सेंटेंस में किसका, ऑर्डर और कमांड का. तो चलिए हम लोग पहले ऑर्डर और कमांड को देखते हैं. ओके बच्चों, तो ऑर्डर और कमांड को सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसमें, तो इंपैरेटिव सेंटेंस में क्या किसका देखेंगे, तो ऑर्डर और कमांड, कमांड इसका देखेंगे. दोनों का मतलब ही आदेश होता है, दोनों का मतलब ही आदेश होता है, समझ जाइएगा. तो हम चीज इसको देखेंगे, तो चलते हैं हम लोग देखते हैं. तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हम लोग स्ट्रक्चर जानेंगे इसमें एक्टिव में. तो एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जब भी स्टार्ट होगा फर्स्ट वर्ब रहेगा इसमें और प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा. क्लियर, ये जब भी फॉर्मेट रहेगा ये एक्टिव का फॉर्मेट रहेगा. क्लियर, मतलब ये एक्टिव का रूल है. जब इसको पैसिव बनाएंगे तो यानी कि ऑर्डर और कमांड वाले सेंटेंस को, ऑर्डर और कमांड वाले सेंटेंस को हम लोग जब भी पैसिव बनाते हैं तो लेट से स्टार्ट करते हैं. क्लियर, किससे स्टार्ट करेंगे, लेट से स्टार्ट करेंगे. जी चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें, इसमें आ जाएगा आपका लेट. क्लियर, लेट के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या आएगा बी. क्लियर, इसके बाद क्या आएगा भी थ्री, इसके बाद क्या आएगा बच्चों भी थ्री. तो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हुआ, किसका स्ट्रक्चर हुआ, पैसिव स्ट्रक्चर हुआ. क्लियर, तो ये हमारा क्या होगा एक्टिव और ये पैसिव. तो अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे. क्लियर, तो देखते हैं एग्जांपल क्या होता है, कैसे हम लोग बोलते हैं. तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं शट द डोर, शट द डोर, ये हमारा एक्टिव है. क्या बोला जाए, शट द डोर, दरवाजा बंद करो, बोलते हैं ना कि डोर को बंद करो, यानी कि शट द डोर, डोर को बंद करो. जब बोला जाता है तो क्या कमांड कर रहा है ना, शट द डोर, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द फैन. तो इस तरह के जो हम लोग कमांड या ऑर्डर में इस तरह के सेंटेंस जो है आते हैं. क्लियर, तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है एक्टिव टू पैसिव बनाया जाता है. तो इस चीज को हम पहले देखते हैं. तो पहले हम क्या बोलेंगे, अगर जिस जो ऑर्डर और कमांड वाला जो सेंटेंस होता है उसको लेट से स्टार्ट करते हैं पैसिव में. क्लियर, तो चलिए कहते हैं लेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, हमारा द डोर है. क्या है, डोर है, क्योंकि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही होता है, सब्जेक्ट नहीं लेगा. क्लियर, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट काम करता है, वही ऑब्जेक्ट जो है पैसिव में सब्जेक्ट का वर्क करता है. यहां पर क्या हो जाएगा आपका लेट द डोर बी ओपन, भी दिया जाएगा ना यहाँ पे बी ओपन, तो किसका शट है ना, तो शट का क्या होगा, शट ही होता है. क्लियर, शट का क्या होता है पैसिव, शट ही होता है. क्लियर, ये हमारा पैसिव सेंटेंस हो. दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, अदर एग्जांपल अगर लेते हैं तो क्या लिखे, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो मतलब खिड़की खोलो, क्या हिंदी इसका हुआ, खिड़की को खोलो,
यानी खिड़की खोलो, आपको आदेश दिया जा रहा है खिड़की खोलो, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो माने खिड़की को खोलो। तो क्या जब आदेश दिया जा रहा है तो किससे स्टार्ट करेंगे, लेट से, तो लेट द विंडो बी ओपन। क्लियर, यह हमारा पैसिव हो गया। क्लियर, और भी एग्जांपल देखते हैं। पुट इट ऑन द टेबल। देखिए तो ये एक्टिव में होगा, क्या किया, पुट इट ऑन द टेबल, मतलब पुट इट, इसे रखो, कहां रखो, टेबल पर रखो, इसे रखो, पुट इट, पुट इट का मतलब होता है इसे रखो, कहां, ऑन द टेबल, टेबल पर रखो, ठीक है, पुट इट का मतलब इसे रखो, कहां रखो, तो ऑन द टेबल, यानी टेबल पर रखो, टेबल पर रखो। तो इसका क्या होगा, लेट से स्टार्ट करेंगे नाम पैसिव, तो लेट कहां पर करेंगे, जब भी करेंगे तो लेट इट करेंगे, ये ना हमारा हुआ ऑब्जेक्ट, लेट इट क्या होगा, बी, लेट इट बी, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद जब भी लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बी लिखेंगे, इसके बाद बी थ्री लिखेंगे ना, तो बी थ्री पुट का क्या होता है, पुट, पुट का ऑन द टेबल एज इट इज, जो है ये हमारा हो जाएगा, यानी लेट इट बी पुट ऑन द टेबल, लेट इट बी पुट ऑन द टेबल, ये चीज हमारा हो गया। क्लियर, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, ये एक्टिव का जो फॉर्म होता है ऑर्डर ऑफ कमांड में वो वी वन प्लस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है एक्टिव में, और पैसिव में क्या होता है कि लेट से स्टार्ट है, कौन सा सेंटेंस जो हमारा कमांड और ऑर्डर से रिलेटेड हो। क्लियर, तो शट द डोर तो क्या होगा, लेट द डोर बी ओपेंड, सेकेंड क्या है, ओपन द विंडो तो क्या होगा, लेट द विंडो बी ओपेंड, थर्ड क्या है, पुट इट ऑन द टेबल तो क्या होगा, लेट इट बी पुट ऑन द टेबल। इस तरह का हमारा जो है सेंटेंस जो होता है वो लेट से आता है। क्लियर, और भी दो तीन एग्जांपल हम लोग देखते हैं, चलिए इसको देख लीजिएगा एक बार, स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, एक बार स्क्रीनशॉट इसका लेने के लिए देख लिए, क्लियर हम छोड़ दिए, चलिए और भी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जितना एग्जाम्पल देखेंगे उतना आपको जो है समझने में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, जितना एग्जाम्पल देंगे उतना बेटर आप जो है समझ सकते हैं। क्लियर, तो और भी एग्जाम्पल देखते हैं, क्लीन द कार, क्लीन द कार कर रहा है, क्लीन द कार ऑर्डर कर रहा है, मेरी कार को क्या करो, साफ करो, मेरी कार को साफ करो, यानी क्लीन द कार, तो क्या हो जाएगा, लेट The car be clean, ये क्या हो गया हमारा पैसिव। और भी एग्जांपल लेते हैं, लुक अप क्या है, लॉक, लॉक अप द गेट, देखते हैं यहां पर, लॉक अप द गेट, ये भी हमारा एक्टिव हो गया, पैसिव क्या बनाएंगे, लेट द गेट बी लॉक्ड, अब ये हमारा पैसिव हो गया। क्लियर, इस तरह से हमारा लेट का यानी किसका, लेट में जो है हमारा ऑर्डर और कमांड का जो है क्लियर हो गया, ऑर्डर और कमांड का जो है हमारा क्लियर हो गया। क्लियर, कभी कभी ऐसा आएगा अनटाइड द डॉग, इसको भी क्या लेंगे, लेट द डॉग बी अनटाइड, लेट द डॉग बी अनटाइड, ठीक है, तो इस तरह का जो सेंटेंस है यानी दिस क्या बोलते हैं इसको, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस यू कैन मेक इन, एंड यू आल्सो नो दैट हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव इन ऑर्डर ऑफ कमांड सेंटेंस। ओके, चलिए अब हम लोग और भी लेट से देखेंगे, और भी बहुत सारे लेट से जो है सेंटेंस होते हैं उस चीज को हम लोग देखते हैं। ये सेंटेंस जो था आपका किस पे था, ये ऑर्डर और कमांड पे था, ये ऑर्डर और किसका था, कमांड पे था। क्लियर, अब हम लोग देखेंगे किस पे, रिक्वेस्ट पे देखेंगे,
इंपेरेटिव सेंटेंस पहले एडवाइस हम लोग देख लेते हैं, क्लियर? एडवाइस का क्या होगा? एडवाइस का मतलब सलाह, क्या होता है? सलाह देना। दो तरह का एडवाइस होता है, हम बताए थे, एक सलाह, एक सलाह देना। दैट मींस एक एडवाइस में सीई होता है जिसका वो नाउन का काम वर्क करता है, और इसमें जो है एसी जिसमें रहता है वो वर्ब का काम करता है। क्लियर? इसको देखते हैं एडवाइस में क्या होता है। एज इट इज इसका भी सेम एक्टिव होता है, जो एक्टिव स्ट्रक्चर हमारा होता है वो सेम होता है। क्लियर? इसमें भी क्या आएगा? वी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये हमारा एक्टिव हो गया। लेकिन पैसिव में जो आएगा, पैसिव में जो अगर स्ट्रक्चर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? पहले जो ऑब्जेक्ट आता है, क्लियर, इसके बाद शुड बी का यूज करते हैं, इसके बाद डिग्री यूज करते हैं। तो उस चीज को हम लोग देख लेंगे, क्या करेंगे इसमें। तो ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी बोलते हैं ना कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। इसके बाद क्या होगा? शुड बी भी थी। ये हमारा पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर? इफ यू टेक एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड। क्या करेंगे? एग्जांपल लेते हैं। क्लियर? हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। अब देखिए इसमें तो ऐसा बताया जा रहा है, हेल्प द पुअर, दैट मींस ऐसा आपको कहा जा रहा है, फोर्स नहीं किया जा रहा है, या किसी तरह का ऑर्डर वाला सेंटेंस लग रहा है या कमांड वाला सेंटेंस लग रहा है, दिखने से नहीं लग रहा है। तो हम देखेंगे कि क्या किया जा रहा है, मतलब हेल्प द पुअर, हम एडवाइस दे रहे हैं कि हमें गरीबों की सहायता जो है करनी चाहिए। तो एडवाइस है, आई थिंक, हम बोलते हैं ना कि आई थिंक हेल्प द पुअर, मतलब गरीबों की मदद करो। लिखा है ना कि हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। क्लियर? ये सलाह है। क्लियर? गरीबों की मदद करनी चाहिए, ऑर्डर नहीं है। तुम्हारा मन करेगा तभी हेल्प कर सकते हो, अदरवाइज आपका मन नहीं है, आप उसके लिए विलिंग नहीं है तो आप नहीं कर सकते, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। क्लियर? तो विदाउट फोर्स का सेंटेंस है, इसमें ऑर्डर और कमांड नहीं होता, इसमें एडवाइस होता है। क्लियर? एडवाइस वाले सेंटेंस में हम लोग शुड का यूज करते हैं। क्लियर? तो देखते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव में? द पुअर शुड बी हेल्प, ये पैसिव हो गया, मतलब गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये हमारा है। यहाँ बोल रहा है कि हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, उसका पैसिव में क्या होगा? गरीबों की मदद करनी चाहिए। एडवाइस जैसा लग रहा है ना कि हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, गरीबों की मदद करनी चाहिए, इस तरह का हम एडवाइस दे रहे हैं ना, ये हमारा एडवाइस वाला सेंटेंस होगा, इसमें ऑर्डर और कमांड का सेंटेंस नहीं आता है। क्लियर? चलिए और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। वॉच ओनली गुड सीरियल्स, आप देखते हैं, ये हमारा एक्टिव है। क्या बोल रहा है कि वॉच ऑनली गुड सीरियल्स, हम लोग को सिर्फ अच्छे सीरियल देखना चाहिए, आपको एडवाइस है, हम लोग को सिर्फ अच्छे सीरियल्स देखना चाहिए, ऐसा ये बता रहा है। क्लियर? तो हम लोग क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम लोग जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऑनली गुड सीरियल्स ना होगा, यहां पर देखिए ऑनली गुड सीरियल्स शुड बी वॉच्ड, ये हमारा पैसिव हो गया। समझ में आया बच्चों? तो ये हमारा एडवाइस होता है। एडवाइस वाले जब भी सेंटेंस पर आएगा, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में जब आपका जो है एडवाइस कर देगा पैसिव बनाने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि हमेशा शुड बी का यूज करते हैं हम लोग। क्लियर? उसमें लेट का यूज नहीं होता है, क्योंकि लेट का यूज उसी में होगा जिसमें कमांड हो, ऑर्डर हो, क्लियर, और सजेशन हो, एडवाइस हो। तो इन सारे वाले सेंटेंस में, अगर जिस सेंटेंस में एडवाइस और सजेशन की बात की जाए, तो उस वाले सेंटेंस से हम लोग शुड बी का यूज करके जो है पैसिव बनाते हैं। क्लियर? तो फर्स्टली क्या करेंगे, फर्स्टली हैव टू पुट सब्जेक्ट, देन आई हैव टू पुट शुड बी, एंड देन हैव टू पुट फॉर्म ऑफ किसका, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, यानी कि क्रिया का तीसरा रूप जो है हम लोग यूज करके बनाएंगे। ये चीज देख लिए,
क्लियर। अब हम इसी का इंपेरेटिव सेंटेंस का ही प्लीज से बनाएंगे, किसका, जिसमें रिक्वेस्ट होता है, बोलते हैं ना प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज सिट डाउन, बोलते हैं ना, जिसमें प्लीज लगाते हैं, माने आग्रह करते हैं हम लोग, क्लियर, आग्रह करते हैं, तो उस वाले ऑप्शन डे है, उस वाले जो है देखेंगे हम लोग, क्लियर। यानी कि किसमें देखेंगे, प्लीज वाले में, प्लीज हो या काइंडली हो, बोलते हैं ना काइंडली सिट डाउन, तो उस तरह का हम लोग देखेंगे। तो हम देख लिए एडवाइस, देख लिए ऑर्डर कमांड, देख लिए, अब हम लोग प्लीज का देखेंगे, क्लियर। चलिए इसको ऑमिट करते हैं। देखिए प्लीज वाले में, प्लीज से या काइंडली जिसको बोलते हैं, क्लियर। प्लीज और काइंडली जहां पाएगा उस तरह का इसका इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, यानी रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में, क्लियर। इसमें क्या करेंगे स्ट्रक्चर, यहां पर प्लीज लगा देंगे, प्लीज या Kindly, क्लियर। हम लोग कमांड देखें, एडवाइस देखें, ठीक है, और ऑर्डर भी देखें, अब हम लोग रिक्वेस्ट देख करते हैं, यानी कि रिक्वेस्ट मतलब आग्रह, किसी से हम लोग क्या करते हैं, आग्रह करते हैं, क्लियर, या अनुमति करते हैं, रिक्वेस्ट बोलते हैं तो परमिशन उसका हो जाता है, अनुमति का, क्लियर। तो इसमें क्या होता है, आग्रह किया जाता है, क्लियर। तो प्लीज या काइंडली, इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, वर्ब का पहला रूप, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा, क्लियर। तो ये हमारा एक्टिव में हो गया, क्लियर। अब देखते हैं इसका पैर, जब भी अगर प्लीज या काइंडली आएगा तो हम यहां से जो है सीधे इसका स्ट्रक्चर जो होगा पैसिव का, हम सीधे यू आर से करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्लियर। इसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस वी वन और ऑब्जेक्ट ही रहेगा इसमें, क्लियर, ये हमारा पैसिव हो गया। चलिए सेंटेंस देखते हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में क्या होगा, प्लीज फॉरगिव देम, ये एक्टिव हो गया। एक नंबर, सेकंड नंबर में देखते हैं, kindly do it at once, ये भी एक्टिव हो गया। थर्ड सेंटेंस देखते हैं हम लोग, प्लीज गो आउट, ये भी हो गया एक्टिव, केवल अब देखते हैं एक गो आउट देखें, गो आउट देखते हैं इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। चलिए अब देखिए, हमने बोला कि प्लीज और काइंडली से जब भी स्टार्ट होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड लगाएंगे, क्लियर। प्लीज और काइंडली से जब भी स्टार्ट होगा एक्टिव में, तो पैसिव बनाते समय हम यह ध्यान रखेंगे कि जब प्लीज और काइंडली से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका जो है पैसिव यू आर रिक्वेस्टेड से बनता है, यू आर रिक्वेस्टेड से बनता है। इफ अगर सेंटेंस में दिया रहे तो, ठीक है, अगर सेंटेंस में गिवेन हो तो, समझ में आ रहा है ना, अगर सेंटेंस में गिवेन हो प्लीज और रिक्वेस्ट, दैट टाइम यू हैव टू मेक पैसिव विद द हेल्प ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू। कैसे बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू, कौन सा सेंटेंस में, तो प्लीज और काइंडली वाला सेंटेंस में, इज दैट क्लियर। चलिए देखते हैं, तो क्या है, प्लीज दिया तो यहां पर हम इसका पैसिव क्या बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, एज इट इज याद कर देंगे, फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब क्या होता है, क्षमा करना, प्लीज उसे, प्लीज उन्हें क्षमा कर दें, क्या होगा, प्लीज फॉरगिव दे, मतलब कृपया उन्हें क्षमा कर दें, तो क्या होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉरगिव
गिव देम, मतलब उनसे क्या कर रही है कि रिक्वेस्ट कर रहा है उन्हें क्षमा कर दें। क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें जो है क्षमा कर दें। क्लियर? चलिए इसमें देखते हैं, काइंडली तो इसमें भी आ जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट एट वंस, ये हमारा पैसिव हो गया। क्लियर? यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट एट वंस। क्लियर? मतलब देखिए जब भी काइंडली से आएगा तो हम इस तरह का वर्ब को मतलब ऐसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? देखिए प्लीज गो आउट, इसका भी क्या होगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू गो आउट, यह भी हमारा पैसिव हो गया। चलिए अब ये बताइए क्या है? गो आउट है, इसमें कोई प्लीज लगा है क्या? काइंडली लगा है क्या? जब प्लीज काइंडली नहीं लगा हो तो समझ जाएंगे कि इंपेरेटिव का सेंटेंस है, बट किसमें है? इंपेरेटिव में है, लेकिन किसका है? ऑर्डर का है, तो ऑर्डर का है तो हम यू आर ऑर्डर कर देंगे, यू आर ऑर्डर से भी बना सकते हैं। क्लियर? तो क्या होगा? यू आर ऑर्डर, यू आर ऑर्डर टू गो आउट। देखिए तो ये कितना सिंपल है, यू आर ऑर्डर टू गो आउट। क्लियर? ये हमारा बिल्कुल। और भी देखेंगे एग्जाम्पल, चलिए देख लिए। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि प्लीज और काइंडली को बनाने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसको कैसे बनाते हैं हम एक चीज सीख लिए। बहुत सारा है, जैसे आपसे पूछे कोई बोलेगा वॉक स्लोली, तो वॉक स्लोली तो क्या बोल रहा है, उसमें क्या किया जा रहा है? वॉक स्लोली ऑर्डर दिया जा रहा है। देखिए इधर मेरे वाक्यों पे गौर कीजिए आप, थोड़ा सा उस पर कंसंट्रेट करिए, हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट आई एम टॉकिंग यू अबाउट, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कंसंट्रेट ऑन माई वॉइस। वॉक स्लोली, वॉक स्लोली मतलब क्या कर रहे हैं? हम ही तो नहीं बोल रहे हैं ना, गो आउट ऐसा बोल रहे ना, रन फास्ट ऐसा तो नहीं ना बोल रहे हैं, मतलब वॉक स्लोली मतलब हमें जो है क्या करना चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए। तो एडवाइज वाला सेंटेंस है। क्लियर? तो वॉक स्लोली आ जाएगा तो क्या लिखोगे? यू आर एडवाइज। अगर आ जाएगा यहां पे देखिए, अगर आएगा वॉक, वॉक स्लोली। क्लियर? जब वॉक स्लोली आ जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, इसको कैसे बना देंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू, या ऐसे भी अगर दे देगा वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली। तो देखो हम लोग को सावधानी पूर्वक जो है चलना चाहिए। तो इस तरह का है, तो एडवाइस दे रहा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, आपको ऐसे बना देंगे यू आर एडवाइज, एडवाइस दिया जा रहा है, एडवाइज टू वॉक केयरफुली, केयरफुली। क्लियर? तो इस तरह के वाक को जो है आप इसको ऐसे ही समझिएगा। समझ में आया? रिक्वेस्ट का हो गया हमारा, क्लियर, एडवाइज हो गया, ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया। क्लियर? और भी जो है हम लोग देखेंगे, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जो बच्चों लास्ट वीडियो यानी कि पहले वाला वीडियो जो नहीं देखा है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे जाकर जो है आप पहले वाला वीडियो को जो है देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।